ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के साप्ताहिक राशि फल लेकर के आई हूँ 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा। सप्ताह किस तरह से आपको प्रभाव दे सकते हैं उसके पहले दृष्टि डाल लेते हैं ग्रहों के ऊपर। अभी कौन कौन से ग्रह किन राशियों से होकर के जा रहे हैं, तो राहु की जो स्थिति है अभी वृषभ में है, केतु वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, शनि अपने खुद की राशि मकर में है, शुक्र मंगल और गुरु कुंभ राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य अभी मीन में है और बुध मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। ये बहुत ही सामान्य राशि के गोचर के ऊपर आधारित राशिफल होता है, तो आप लोग इसको अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफी स्पष्ट और करीब तक पता चल पाएगा। बहुत ही सामान्य ट्रांजिट बेस्ड ये राशिफल है। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है आप लोगों को किस तरह का प्रभाव दे सकता है। सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है, थोड़ा आपको सावधानी के साथ में बढ़ने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से समय बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। पारिवारिक माहौल में कुछ असंतोष की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है, तो अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। घर में कोई कलह क्लेश नहीं होने पाए इसके प्रति आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, बच्चों के साथ सामंजस्य बनाकर के चलना है। जरूर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंधों में है, वहां पार्टनर के साथ छिटपुट मतभेद, वैचारिक मतभेद, एक तरह के डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी रचनात्मकता काफी अच्छी रहेगी। जो भी लोग ट्रेडिंग शेयर से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पर स्थिति आपकी काफी अनुकूल रहेगी। आर्थिक लाभ आपको उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लिए हर एक तरीके से सफलताएं लेकर के आएगा। जो भी आपके वाद विवाद होंगे, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए सफलता के योग निर्मित होंगे। यात्राओं के माध्यम से आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। वीकेंड आपके लिए व्यापारिक दृष्टि से काफी अच्छा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको काफी अच्छा समय देखने को मिलेगा। कुछ आर्थिक लाभ होगा। यात्राएं आपके लिए पैसा देने का काम करेंगी। जिन लोगों का व्यवसाय है, बिजनेस है, जो लोग डेली खरीदने बेचने का काम करते हैं, जो लोग रिटेल व्यापारी है, उनके लिए वीकेंड बहुत सफलताएं लेकर के आएगा। जितने भी मेष वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए, आपके छोटे भाई बहनों के माध्यम से, आपके बड़े भाई बहन, आपका जो अधिकारी वर्ग है, उन सभी के माध्यम से, जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, उन सब लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित कर रहा है, उसका आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र जो रहेगा वहां पर स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहेगी। ध्यान रखने की केवल एक आवश्यकता रहेगी, जो भी आप पैसों का निवेश करते हैं, किसी भी तरह के स्टॉक से जुड़ करके जो आप काम करते हैं, वहां थोड़ी सी सावधानी के साथ में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। छिटपुट आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आप काफी मजबूत मन स्थिति में अपने आप को पाएंगे, लेकिन छिटपुट स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें होती हैं वो देखने को सप्ताह में मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं तो वृषभ वालों के लिए, आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा रहेगा। यात्राओं के माध्यम से आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। चलो किसी भी तरीके का टूर ट्रेवल से जुड़ा कार्य व्यवसाय करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ करके जिनका काम है, कोई भी कमीशन ब्रोकर से जुड़ा हो जिनका कार्य व्यवसाय है, उन सभी के लिए शुरुआत जो है काफी लाभ देती हुई दिखाई पड़ रही है। सप्ताह एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपके लिए सावधानी की जरूरत रहेगी। परिवार के अंदर छिटपुट वाद विवाद, कलह क्लेश, इन चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, रिश्तों के प्रति थोड़ी सी आपको सजगता रखने की जरूरत होगी। बच्चों के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। आप अपने आप को मानसिक रूप से थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन में है तो वहां आपकी चीजें आपके मन मुताबिक जाते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। उस पक्ष से आपके लिए सावधानी का समय रहेगा। वीकेंड जो रहेगा आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसी चीजें, कहीं आप सर्विस में है, आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा,
जो भी लोग हेल्थ स्टडीज से जुड़े हैं उनके लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड है, भाग्य का, पिता का, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। आपका जो व्यवसाय वाला एरिया है जहाँ आप सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां की परिस्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। फैमिली के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होना, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, कोई शुभ चीजें आपके घर में हो, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। आर्थिक लाभ आप लोगों को मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह के योग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत का जो एक दिन रहेगा, वहां पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, खान पान का ध्यान रखिएगा, निर्णयों के प्रति आप थोड़े से सजग होकर के रहिएगा, परिवार के अंदर कोई विवाद नहीं होने पाए, कलह क्लेश नहीं होने पाए, इनका आपको ध्यान रखना रहेगा। एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा। जो भी लोग किसी भी तरह के कमीशन एजेंट से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, आईटी सेक्टर से, टूर ट्रेवल्स, उन सभी के लिए समय काफी लाभदायक बना हुआ है। छोटे भाई बहनों के माध्यम से यात्राओं के दौरान आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहां पर आपके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। जो आपका फैमिली फ्रंट है वहां पर परिस्थितियां आपकी अग्रेस्ट हो सकती है, परिवार के अंदर कोई कलह क्लेश, वाद विवाद, तनाव वाला वातावरण आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, कोई वाद विवाद नहीं करना है उनके साथ। अपने स्वयं के मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वीकेंड जो रहेगा वहां पर आपको बच्चों के साथ सामंजस्य बना करके चलना है, किसी भी तरह के संबंधों में उसके लिए समय बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट कर करके चलना, उसे कोई आप आर्ग्यूमेंट किसी तरह का विवाद, ये सारी चीजें मत करिएगा, इस तरह के सहयोग आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है उनके लिए एजुकेशन पर पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बच्चों की दृष्टि से काफी शुभता वाला समय रहेगा। कार्य व्यवसाय में बहुत बड़े बदलाव नहीं करिएगा, विदेशों से आप लोगों को लाभ होगा। जिन लोगों का कोई भी काम फॉरेन से जुड़ा हुआ है वहां उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। फिर बात करते हैं कर्क वालों के। आपके जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी शुभ है, काफी आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। कार्य, व्यापार, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, सबके द्वारा आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। सप्ताह दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। परिवार के अंदर कोई कलह क्लेश, वाद विवाद नहीं होने पर उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए, किसी के साथ आप बातचीत करते हैं वहां पर थोड़ा सा आपको अपनी भाषा शैली का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपकी वाणी के द्वारा कुछ विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके लिए काफी सफलताएं लेकर के आएगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार देगा, भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। वीकेंड का जो टाइम पीरियड है वहां आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से समय बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छिटपुट परिवार के अंदर वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थितियां निर्मित हो सकती है। इसके अलावा जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है। जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, लाइफ पार्टनर है, उन सभी के माध्यम से आपके लिए काफी सहयोग से भरा हुआ टाइम पीरियड है, लाभ के योग आपके लिए निर्मित होंगे। विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है वहां पर आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां हैं। फैमिली के अंदर आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परिवार के अंदर किसी भी तरह की शुभता वाले इवेंट्स या किसी तरह के जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सा खर्चों के प्रति सावधान रहिएगा। यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड कुछ आपको छिटपुट इश्यूज देखने को मिल सकती है। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, पैसे अनावश्यक व्यय नहीं होने पाए, यात्राओं में आपको कोई तकलीफें नहीं होने पाए, इन चीजों के प्रति आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपकी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, आप काफी आत्मविश्वास से भरी हुई स्थिति में रहेंगे। जिन लोगों का कोई व्यापार है, जो लोग डेली खरीदने बेचने का काम करते हैं, उन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपको थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना रहेगा, वाणी का ध्यान रखिएगा, खान पान के प्रति विशेष आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। जो भी आपका बिजनेस है, कार व्यवसाय है, वहां की स्थिति आपके अनुकूल होंगी, काफी शुभता वाला समय रहेगा। आपके जो सिबलिंग्स हैं, करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ भी आप जाएं, कहीं घूमने के लिए जाएं, कुछ वहां पर एक बहुत खुशी वाला वातावरण आपको देखने को मिलेगा। जितने भी सिंह वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा है। आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ शुभता वाली चीजें होना, छोटे भाई बहनों के माध्यम से आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होना, बड़े भाई बहन,
आर्थिक लाभ, नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय उनके लिए काफी अच्छी स्थिति है। जो आपके सिबलिंग्स है उन लोगों की लाइफ में, उन लोगों के द्वारा आपको सपोर्ट मिलना काफी आपका जो पराक्रम है इन सारी चीजों के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। तो सिंह वालों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ है वहां पर थोड़ी सावधानी की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए, आपके जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। आर्थिक लाभ आपको अपने व्यवसाय से जुड़ करके हो सकता है, जो लोग इस तरह के सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है या कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पैसों से संबंधित शुभता वाला टाइम पीरियड देखने को मिलेगा शुरुआत में। ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी। खर्चे, अनावश्यक व्यय, यात्राओं में दिक्कतें, मदर के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छिटपुट दिक्कतें या आप स्वयं अपने आप को मेंटली इमोशनली थोड़ा सा दिक्कत में पा सकते हैं, तो खर्चों और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह दिन के बाद का जो समय रहेगा, सप्ताह मध्य के बाद की जो स्थितियां निर्मित होंगी वहां पर समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। व्यापारिक गतिविधियां, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उन सभी के माध्यम से आपके लिए काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। वीकेंड जो रहेगा वहां पर आपको फिर से थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी। विशेष रूप से अपने वाड़ी का खान पान का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर कुछ छिटपुट वाद विवाद कलह इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। जितने भी कन्या वाले लोग हैं, ये जो समय है आपके लिए व्यवसाय की दृष्टि से काफी अच्छा है। जिन लोगों का कार्य से विदेशों से जुड़ करते हैं वहां से आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। आपके फैमिली के अंदर आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों में तालमेल का ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो थोड़ा सा वहां पर सावधानी के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ करके जिनका काम है, वो काफी अपने को साउंड पाएंगे। आप पढ़ने में काफी इस समय पर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, या जो भी आपका कॉम्पिटिशन से जुड़ा हुआ फील्ड है उन क्षेत्रों में परिणाम आपके मन मुताबिक मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रिकॉशन सिर्फ आप लोगों को आने वाले सप्ताह में पार्टनर के साथ आपको तालमेल बनाना है और खर्चों के प्रति आपको थोड़ा सा सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। कहीं आप जा रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है कार्यक्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है वहां की स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, आप अपने मन मुताबिक कार्य कर पाएंगे। सप्ताह दिन के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा। आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बच्चों के द्वारा, फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई बहन, इन सभी के माध्यम से कुछ आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह मध्य के बाद का जो समय रहेगा वहां पर आपको यात्राओं में सावधानी बरतनी है, खर्चों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी आपको सजगता की जरूरत रहेगी। छिटपुट आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए फिर से अच्छा हो जाएगा। काफी सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा व्यवसाय दृष्टि से, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सभी के द्वारा आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। जितने भी तुला वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह के कॉम्पिटिशन से जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह काफी अच्छा है। आपके लिए आर्थिक लाभ, बच्चों से लाभ, बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाले इवेंट होना, या कुछ लोग इस टाइम पीरियड में बच्चे कंसीव कर लें, बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। आपको कहीं से नेम फेम पर प्रतिष्ठा के योग मिलना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की वृद्धि होना, कार्य क्षेत्र में विस्तार, आपको कहीं से बहुत ही मन मुताबिक कुछ परिणाम मिले, कुछ शुभता वाली चीजें, जो चीजें आपने काफी टाइम से सोच करके रखी हुई, कुछ आपकी पेंटिंग विशेष हो, वो सारी चीजें सप्ताह में पूरे होने की योग बन रहे हैं। ध्यान जो रखना रहेगा आप लोगों को, खर्चे आपके हो सकते हैं, पैसों से संबंधित जो घटनाएं रहेंगी वहां पर अनावश्यक आपका व्यय बढ़ सकता है, तो पैसों को लेकर के सावधानी बरतनी रहेगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक वाले जितने भी लोग हैं, ये सप्ताह आपको शुरुआत में यात्राएं दे सकता है, जो कि आपके लिए एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती है, या आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, भाग्य पिता, इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, तालमेल बना करके चलिएगा। पिता से छिटपुट वैचारिक मतभेद की स्थिति आप लोगों के लिए बनेंगे। एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। जो आपका वर्क प्लेस है वहां की परिस्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, चीजें आपके मन मुताबिक होते हुए दिखाई पड़ेंगी। प्रोफेशन के एरिया में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह मध्य के बाद का जो समय रहेगा आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर क्या रहा है, कहीं से पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती है। कुछ आपकी पेंटिंग इच्छाएं रही हो, कुछ काम आपके रहे जो कि पूर्ण होते हुए दिखाई पड़े,
वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए सावधानी से भरा हुआ रहेगा। खर्चे, अनावश्यक व्यय, यात्राओं में दिक्कतें, इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। मदर की हेल्थ से संबंधित कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो आपको जो आखिरी टाइम है सप्ताह का, वहां पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, देखिए आपका जो फैमिली से जुड़ा हुआ सेक्टर है वहां पर कुछ शुभता वाली चीजें आपको देखने को मिल सकती है। घर में कुछ खरीद करके लेकर के आना या कुछ भी ऐसी चीजें जो कि प्रोफेशन से जुड़ी रही हो, काफी टाइम से अटकी पड़ी हुई हो, वो सारी चीजें आपकी पूरी हो सकती हैं। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में यात्राएं कर सकते हैं। परिवार के अंदर कुछ बड़ी चीजों का आना, कुछ कुछ सुख सुविधाओं की वृद्धि होना, इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए बनी हुई है। कुछ लाभ होता हुआ विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका फॉरेन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, जो लोग विदेशों से जुड़कर के कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह कुछ आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको पैसों से संबंधित जो शुभता होगी उससे वो देखने को मिल सकती है। विदेशों से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। फिर बात करते हैं धन वालों के लिए। आपके लिए जो शुरुआत हो रही है, थोड़ी सावधानी के साथ में रहने की जरूरत रहेगी। मेंटली इमोशनली आप काफी अपने आप को डल फील करेंगे, तो कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कहीं मीटिंग में जाना है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई कार्य करना है, इसलिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को थोड़ा लो फील कर सकते हैं, तो अपनी केयर करिएगा, अपने आप को संभाल करके चलिएगा। डिसीजन को लेकर के विशेष रूप से सजग रहिएगा। सप्ताह ही दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके लिए यात्राओं के माध्यम से लाभ देगा। भाग्य पिता इन सारे क्षेत्रों से सपोर्ट की स्थितियां बनेगी, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखते रहे, उनके साथ तालमेल बनाकर के चलना रहेगा। पिता के साथ छिटपुट वाद विवाद या डिस्टेंस जैसी चीजें हो सकती है, तो वहां आपको सावधानी बरतनी रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद जो स्थितियां बनेंगी वो आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार देंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सारी चीजों का आपके लिए योग निर्मित होगा। वीकेंड आपके लिए लाभ लेकर के लाया जाएगा। ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र और आर्थिक लाभ दोनों ही संभावनाएं दिखा रहा है। तो जिन लोगों का व्यवसाय है, बिजनेस है, या जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर के कार्य कर रहे हैं, कहीं से पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जितने भी धन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है, क्या आप लोगों के लिए आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएगा, यात्राओं के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे, कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन ये सप्ताह दिलवा सकता है। और जो भी पैसों से संबंधित जुड़ा हुआ क्षेत्र होते हैं उन सभी में आपको मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। तो जितने भी धन वाले लोग हैं, अपने फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो आपका पक्ष है उसके प्रति थोड़ी सी आप सजगता के साथ में कार्य करिएगा, तो आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। व्यापारी जो गतिविधियां हैं, जो आपका पार्टनर है, उन सभी के माध्यम से काफी सहयोगी वातावरण आपके लिए निर्मित होकर के बन रहा है, उसका फायदा लीजिए। केवल आपको शुरुआत का जो एक दिन है वहां पर सावधानी रखने की जरूरत है, कि वो टाइम आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, ना तो स्वास्थ्य के दृष्टि से ना ही निर्णयों के प्रति। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है, शुभता से शुरुआत हो रही है, कार्य व्यवसाय की वृद्धि होगी, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी, यात्राएं आपको लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग रिटेल खुदरा व्यापारी है उनके लिए पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं देखने को मिलेगी, कुछ आपको आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह ही दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आप अपने आप को मेंटली इमोशनली काफी लो डल फील करेंगे, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने हैं, कहीं मीटिंग में जाना है, कोई पेपर से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो उसके लिए समय सही नहीं रहेगा, वहां को सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके लिए भाग्य पिता यात्राएं सभी माध्यमों से काफी सपोर्टिव रहेगा, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना रहेगा, उनके साथ थोड़ा तालमेल बना करके चलने की जरूरत रहेगी। यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती है, इस तरह की स्थितियां बनेंगी आपके लिए। वीकेंड जो रहेगा वो आपके व्यवसाय की दृष्टि से काफी अच्छा है, व्यवसायिक गतिविधियां आपके लिए लाभ देती हुई दिखाई पड़ेगी। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपके सिबलिंग्स, आपका जो भाई बहनों वाला पक्ष होता है, उन सभी के माध्यम से शुभता वाली घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। आर्थिक लाभ होता हुआ कार्य क्षेत्र में विस्तार, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन क्षेत्रों में आपके लिए काफी सपोर्ट वाली स्थितियां बनी रहेंगी। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफी अच्छा है, कुछ भी आपके डिस्प्यूट, रोग, शत्रु जैसे स्थितियां रही होंगी वो सब आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। जितने भी आपकी पेंडिंग चीजें रही होंगी वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राओं से आपके लिए लाभ
मिलेगा। जो बच्चे कंपटीशन से जुड़ करके कुछ तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपके काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। सप्ताह दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपको व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित चीजों में काफी शुभता वाले इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होना, यात्राएं आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। जो व्यवसाय है आपको, जो लोग किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए काफी आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोगों का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रति समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा, तो कोई भी इम्पोर्टेंट आपको काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, किसी के साथ में मीटिंग करनी है, तो सप्ताह मध्य का समय उतना अनुकूल नहीं है, तो वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी रहेगी। वीकेंड जो रहेगा आपके लिए यात्राएं हो सकती हैं, जो कि आपके लिए धार्मिक यात्राएं हो सकती है, एजुकेशनल ट्रिप हो सकती है, और फादर के साथ थोड़ा सा आपको तालमेल बनाना है, उनके साथ कोई वाद विवाद बहस नहीं होने पाए इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है, आप अपने हेल्थ से संबंधित चीजों का, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। वाणी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा है। जो बच्चे बाहर कहीं रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो पूरा टाइम पीरियड है बच्चों के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नीज के लिए काफी अच्छा बना हुआ है। कुंभ वालों को सिर्फ एक प्रिकॉशन रखनी है, अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को आप बहुत गंभीरता से लीजिएगा, उसके प्रति जरा भी लापरवाही नहीं करिएगा। हेल्थ से संबंधित कुछ भी दिक्कतें हो तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, बच्चों के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बच्चों के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। जो किसी तरह के रिश्ते में है, पार्टनर के साथ आपको एडजस्ट करके रहने की जरूरत पड़ेगी। जो आपका पार्टनर उसके साथ वैचारिक मतभेद, एक तरीके की डिस्टेंस आपको फील होगी। हालांकि रचनात्मकता आपकी काफी अच्छी रहेगी। जो किसी भी तरह के फाइनेंस से जुड़ करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लाभ स्थितियां निर्मित होंगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सारे क्षेत्रों में आपके लाभ भी निर्मित होंगे। पार्टनर के साथ आपको एडजस्टमेंट करना है। सप्ताह दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपके लिए हर तरीके से जो कंपटीशन से जुड़ी हुई चीजें होती है वहां पर आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। कोई भी आपका वाद विवाद, पेंडिंग डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा, वो सारे परिणाम आपके पक्ष में जाने के ही बनेंगे। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का समय आपके लिए व्यापारिक दृष्टि से काफी सफलता वाला है। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लाभ को स्थितियां निर्मित होंगी। जो लोग खुदरा व्यवसायी हैं, डेली खरीदने बेचने का काम करते हैं, उनके लिए काफी आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीकेंड में आपको सावधानी बरतनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रति आपको सावधान रहना है। कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ आप नया कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा, तो वीकेंड में आपको अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने बहुत जरूरी रहेगी। समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। जितने भी मीन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, फैमिली के अंदर कुछ अच्छी चीजें लेके आपके आना, परिवार के अंदर कुछ सुख सुविधाओं की वृद्धि होना, मदर के ऊपर कुछ पैसों का खर्च होना, आपकी जो माँ है माँ के ऊपर कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करें, या फैमिली के अंदर कुछ चीजें लेकर के आए। शत्रुता से संबंधित जितनी चीजें होती है वहां पर आपको रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जो किसी तरह के धर्म आध्यात्मिक के क्षेत्रों से जुड़े हुए, उनके लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल है। ये सप्ताह आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ लेकर के आएगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो हेल्थ से संबंधित चीजें हैं उसका ध्यान रखना रहेगा। आर्थिक लाभ आपके लिए बना रहेगा। बच्चों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सारे क्षेत्रों से आपके लाभ के निर्मित होंगे। फैमिली के अंदर कुछ अच्छे इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मीन वालों के लिए जो सप्ताह है, स्वास्थ्य संबंधित चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। हेल्थ रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, मदर की लाइफ में चीजें सपोर्टिव रहेंगी। इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है, मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव देगा, और ये बहुत ही सामान्य ट्रांजिट के पेंडल्स के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है। डॉक्टर उसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। एक्चुअल में आपके साथ क्या होता है आने वाले वीक में, वो आपका जो नेटल चार्ट है वहां पर ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, वो सारी चीजें अधिक प्रभाव डालती हैं। लेकिन ये ट्रांजिट के ग्रह हैं तो थोड़ा बहुत अपना भी प्रभाव देते हैं। एक आइडिया लग जाती है कि कब आपको सावधानी रखनी है, कब आपको बहुत सामंजस्य से बना करके चलना है। तो आप एक हेल्प ले सकते हैं राशिफल से, और अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों को ही आप सुनते टाइम नोटिस क्या करिए, तो उससे आपको परिणाम बहुत क्लियर पता चलेगा। दोनों में ही जो चीजें कॉमन होंगी उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और जब ये नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई वीडियो डालने का आप लोगों को पता चल पाए, मैं सब लोगों तक शेयर करूंगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।